नमस्कार दोस्तों एवं छात्र छात्राओं, मैं मुरली मनोहर गोस्वामी आप सभी का डिजिट क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को बतलाने जा रहा हूं नवम वर्ग का मैथ एक्सरसाइज 1.6, जिसे आप लोग ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सिक्सटी फोर की जगह पर आप लिख सकते हैं 8 × 8, 68 और चूंकि 8 × 8 है, इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 8² का होल पावर 1/2 इक्वल टू 8। चूंकि x का पावर m का होल पावर n इज इक्वल टू x का पावर m इंटू n होता है, हम लोग इस फॉर्मूला के हिसाब से 8 का स्क्वायर का होल स्क्वायर 1/2 है, तो ये दोनों स्क्वायर के बीच में गुना हो जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर आ गया 8। हम लोग इस क्वेश्चन में 32 की जगह पर लिख सकते हैं 2 × 2, 2 × 4, 4 × 8, 8 × 16, 16 × 32 का पावर 1/5। यहाँ पर 2 5 टाइम्स आया है, इसलिए हम लोग लिखेंगे 2 × 5 का होल पावर 1/5। चूँकि फॉर्मूला के अनुसार दोनों पावर के बीच में गुना होता है, इसलिए हम लोग गुना करेंगे। आंसर आ गया आपका 2। तीसरा क्वेश्चन है 125 का पावर 1/3। इसे हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे, 125 की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 5 × 5 × 5, 5×5 = 25, 25×5 = 125 का पावर 1/3। इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं 5³ का होल पावर 1/3। यहाँ पर भी फॉर्मूला के अनुसार दोनों पावर के बीच में गुना होगा, 5 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का 1, 9² 1/2, इसे आप सॉल्व भी इस तरीके से कर सकते हैं, 9 की जगह पर लिख सकते हैं 3 × 3 का पावर 1/2, 3 × 3 की जगह पर लिख सकते हैं, यहाँ पर भी दोनों पावर के बीच में मल्टीप्लाइकेशन होगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर 3 आया। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 का 4 बतलाता हूँ और आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 का 2 और 3 स्वयं बना लेंगे।
125 का पावर माइनस 1/3, 125 की जगह पर आप लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5, 5 बचे 25, 25 बचे 125। इसके बाद चूंकि 5 3 टाइम्स आया है, इसलिए 5 का पावर 3 का पावर माइनस 1/3 फॉर्मूला के अनुसार दोनों पावर के बीच में गुना होगा। 5 का पावर माइनस 1 और इसका इन्वर्स होगा 1/5 का पावर 1। चूंकि यहाँ पर 5 का पावर माइनस 1 है, लेकिन जब इसका इन्वर्स हम करेंगे तो यह पावर प्लस में हो जाएगा। दैट मीन्स 1/5 आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का 1, 2/3 गुना 2/1/5, बहुत छोटा छोटा है, देखने में मुश्किल थोड़ा हो रहा है। 2/2/3 गुना 2/1/5, इसे हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे। 2/2/3 + 1/5, चूंकि x^(m) × (x^n) = (x^n+n) होता है। इस फॉर्मूला में आप ध्यान देंगे x^(m) × (x^n) पावर अलग अलग है, लेकिन दोनों का बेस सेम है। ऐसी परिस्थिति में ये दोनों जो पावर है जुट जाएगा, अर्थात m+n। इस फॉर्मूला के अनुसार 2/2/3 × 2/1/5 का पावर्स अलग अलग है, लेकिन बेस सेम है। इसलिए फॉर्मूला के अनुसार बेस सेम रहेगा और पावर आपस में जुड़ जाएंगे। 3 और 5 का LCM 5 + 15, क्योंकि दोनों किसी पहाड़ा से कटेगा नहीं। ऐसी परिस्थिति में LCM निकालने के लिए मल्टीप्लाई करना होगा। 3 × 15 3 से इसे भाग देना होगा। 3 × 15 5 बार में कटेगा। 5 को ऊपर वाले से गुना करेंगे तो 5 × 10 + सेम प्रोसेस से 5 × 15 3 बार में कटा, 3 × 1 = 3। दो का पावर 13/15 ये आंसर हुआ। इसके बाद मैं बतलाता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 का 2, 1/3 3/7, इसे हम लोग लिख सकते हैं। चूंकि यह पावर 7 1 का भी है और 3/3 का भी है, हम लोग इस पावर को दोनों के लिए अलग अलग करते हैं इस तरीका से। जैसे 1/7 / 3/3 7, 1/7 दैट मीन्स 1 × 1 × 1 × 1, 7 times आपको लिखना होगा, और 1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। और यहाँ पर दोनों पावर्स के बीच आपस में गुना होगा। 3/21 ये आंसर हो गया।
11 का पावर 1 बाई टू, 11 का पावर 1 बाई फोर। यहाँ डिवीजन के केस में आपको इस तरीके से सॉल्व करना होगा, चूंकि फॉर्मूला होता है x का पावर m बटा x का पावर n बराबर डिवीजन केस में x का पावर ऊपर वाले पावर से नीचे वाला पावर माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर चूंकि दोनों का बेस सेम है 11, 11, इसलिए 11 ही लिखना होगा और ऊपर वाले पावर से नीचे वाला पावर माइनस हो जाएगा। इसके बाद आप एलसीएम निकालेंगे 2 और 4 का, तो 4 आएगा, 2 से 2 दूना 4, 2 एकम 2, माइनस 4 से इसे डिवाइड करना होगा, एक बार में कटेगा, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, ये आंसर हो गया 11 का पावर। इसे अच्छा से लिख देता हूँ नहीं तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा, 11 का पावर 1/4। अंत में एक क्वेश्चन और बच रहा है, यहाँ पर थोड़ा हट के है, इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा x का पावर m गुना y का पावर n बराबर आपको लिखना होगा x का पावर m गुना y का पावर m बराबर एक्स वाई का पावर m। यहाँ पर बेस अलग अलग है लेकिन दोनों का पावर सेम है, इसलिए हम लोग दोनों बेस को एक साथ लिख दिए मल्टीप्लाइकेशन के रूप में और पावर को एक साथ m के रूप में लिख दिए। इस फॉर्मूला के अनुसार आपको करना होगा, चूंकि यहाँ पर पावर सेम है लेकिन बेस अलग अलग है, इसलिए बेस को गुना करते हुए पावर को 1/2 के रूप में लिखना होगा, 57/56 का पावर 1/2, ये आंसर हो गया आपका। इस तरीके से यह चैप्टर आपका 1.6 समाप्त हो गया। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह चैप्टर बहुत अच्छा से समझ आ गया होगा।